यहां तो सबकी नजर टिकी हुई है आज होने वाली सुनवाई पर, जो कि काफी अहम है सुप्रीम कोर्ट में। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करने वाली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में यह बेंच सुनवाई कर रही है और इस बड़ी सुनवाई पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज भी जारी रहेगी। आपको हर अपडेट बताएंगे, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टर्स लाइव जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। लेकिन पहले आपको इस केस से जुड़े कुछ सवाल बता देते हैं जो कि आम जनमन में है, जो आपके दिलो दिमाग में है। सवाल पहला, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होने वाला है? आपके मन में सवाल होगा, इसका जवाब यह है कि अयोध्या जमीन विवाद पर आज अहम सुनवाई है और यह सुप्रीम सुनवाई है। आज के बाद तय होगा कि समय सीमा क्या होगी। दूसरा सवाल यह कि सुनवाई किस चीज पर होनी है? तो जवाब यह है कि विवादित जमीन पर किसका कब्जा है, यानी जो जमीन विवाद है, असल जमीन विवाद अयोध्या से जुड़ा हुआ, उस पर सुनवाई होनी है। तीसरा सवाल जो कि आपके मन में जरूर होगा, सुनवाई कौन कर रहे हैं? जवाब यह कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ कर रही है, जो कि जो पूर्व सीजीआई थे उनकी तरफ से खारिज की गई थी। 3 जजों की बेंच बनाई गई थी और अब 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई है। अगला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि पक्षकार कौन है इस मामले में? जवाब इसमें यह कि रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ये तय कर सकती है। अब सवाल अगला ये आपके मन में होगा कि नवंबर से पहले फैसले की बात आखिर क्यों हो रही है, जो कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि 17 नवंबर 2019 से पहले क्या फैसला आ पाएगा? तो इसका जवाब यह है कि चीफ जस्टिस जो सीजीआई है देश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, वो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उनके रिटायरमेंट से पहले ये फैसला आ जाएगा अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ। अगला सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आया, ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और उसके बाद 14 याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि ये फैसला क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। 2.77 एकड़ विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, ये फैसला था 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट का। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को गया था और उसके बाद जो अगला हिस्सा है, राम चबूतरा सीता रसोई वाला जो हिस्सा था वो निर्मोही अखाड़ा को दिया गया था, 3 हिस्सों में बांटा गया था। और तीसरा जो हिस्सा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को किया गया था, जो मुसलमान पक्ष हैं वो तीसरा हिस्सा उन्हें मिला था। ये 2010 का फैसला था। हाईकोर्ट के फैसले को सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इस मामले से जुड़ी 14 याचिकाएं दायर की गई इस फैसले के खिलाफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। तीनों पक्षों ने पूरी जमीन पर अपना अपना दावा ठोका है और इसी दावे के अनुसार अब आज सुनवाई होने जा रही है देश की सर्वोच्च अदालत में। और जो 5 जज इसमें हैं जो सुनवाई करेंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और इसके अलावा डी वाई चंद्रचूड़, यू ललित और एन वी रमन्ना, ये 5 जज हैं जो कि सुनवाई करेंगे और इस पर निगाहें देश की टिकी हुई हैं। लेकिन हम ये जरूर आपको बता रहे हैं कि ये सवाल उठाने के साथ साथ कि क्या नवम्बर 2019 से पहले अयोध्या विवाद पर फैसला आ पाएगा, क्योंकि नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं और जो प्रस्तावित राम मंदिर है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जो विवादित भूमि है वो है कहां। 2.7 एकड़ की ये पूरी विवादित भूमि है और जहां हमने आपको यहां बाई तरफ जो दिखा रहे हैं वो राम चबूतरा है, जो ये प्रस्तावित राम मंदिर जो ढांचा है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें आपको ये हनुमान द्वार दिख रहा है जो पहले राम चबूतरे के सामने दिख रहा है। और आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। आशीष, सुबह 10:30 बजे सुनवाई होने वाली है और देश की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बात तय थी कि नए साल में ये मामला उठेगा, क्योंकि पुराने साल में जो पूर्व सीजीआई थे दीपक मिश्रा, वो जब रिटायर हुए तो 3 जजों की बेंच थी, उसके बाद ये मामला रंजन गोगोई के पास आया और 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जो कि आज से सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या ये डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की जाएगी और जल्द से जल्द निर्णय लाने की कोशिश की जाएगी? देखिए निधि, आज सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी, क्योंकि आज जो पहली सुनवाई होगी उसमें कोर्ट ये तय करेगा कि ये सुनवाई कब से होगी। जनवरी एंड से होगी, फरवरी से होगी, मार्च से होगी, अप्रैल से होगी, एक तारीख कोर्ट तय करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में जो परंपरा रही है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की यानी संविधान पीठ की, अगर संविधान पीठ किसी मामले की सुनवाई एक बार शुरू करती है तो जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाए दूसरी वो बेंच सुनवाई नहीं करती है, जिसका मतलब यह है कि केवल वो जो संविधान पीठ होगी वो पर्टिकुलर एक मामले की सुनवाई करेगी वीक में 3 दिन यानी हफ्ते में 3 दिन। इसके अलावा जो मिसलेनियस डे है सोमवार और शुक्रवार, उसमें जो जजेस हैं वो दूसरे मामले सुनते हैं, लेकिन वीक में 3 दिन जो होते हैं मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिनों तक रोजाना सुनवाई होती है। सबसे अहम बात यह है कि आज क्या होगा, आज ये होगा कि एक कोर्ट डेट फिक्स करेगा। दूसरा सवाल यह है कि आखिर इस मसले को संविधान पीठ में क्यों भेजा गया, जब तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले को सुन रही थी, उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर थे। उस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने सबसे पहले मांग की थी कि मामले में आर्टिकल 25 इन्वॉल्व है, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो इन्वॉल्व है, ऐसे में इस मामले को लार्जर बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जाना चाहिए। उसके बाद मुस्लिम पक्ष के ही तरफ से सीनियर वकील राजू रामाचंद्रन ने इसी बात पर बहस की और कहा कि इस मामले को 3 जजेस बेंच को नहीं सुनना चाहिए, इस मामले को संवैधानिक पीठ में रेफर किया जाना चाहिए जी। लेकिन तब तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि हमारे सामने ये जो मामला है ये एक महज जमीनी विवाद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और हमें भविष्य में अगर लगता है तब हम इस मामले को संविधान पीठ में भेजेंगे। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने जी। 1994 में जो इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रिमार्क में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, इस पर एक लंबी बहस चली और सभी की ये मांग थी, जो मुस्लिम पक्ष है उनकी ये मांग थी कि इस मामले को लार्जर बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जाए। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था। तब सीजीआई, उससे पहले सीजीआई दीपक मिश्रा इस बारे में साफ कर चुके थे कि ये मामला अनंत काल तक नहीं चल सकता, 8 सालों से लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 जजेस बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजने से इनकार किया था जी। उसके बाद ये सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होते हैं और मामला अक्टूबर में लगता है सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सामने। उन्होंने सीधा कहा कि लिस्ट द मैटर बिफोर द एप्रोप्रिएट बेंच ऑन द जैन फर्स्ट वीक, पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई हुई, तब सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने बेहद कम समय दिया और उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को सुनवाई होगी और जो बेंच के पास ये मैटर लगेगा वही इसमें अंतरिम आदेश जारी करेगी। उससे पहले इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेंच बना दी गई नोटिस के थ्रू, चूंकि सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है, सुप्रीम कोर्ट का रूल भी ये कहता है कि अगर सीजीआई को ये लगता है कि कोई भी मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो वो 2 जजों से ऊपर की बेंच बना सकते हैं। ठीक है आशीष, आपके पास लौटेंगे और ज्यादा अपडेट के साथ। अबुल बशर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अबुल, हालांकि साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि आस थी उनसे जब सवाल पूछा गया राम मंदिर को लेकर, अयोध्या से लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और हम कोर्ट के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आप भी लगातार लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं, वहां पर किस तरह की आबोहवा है और लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के बीच क्या उम्मीद है? देखिए, जो अयोध्यावासी है वो लगातार इस बात को मांग करते आ रहे थे कि कोर्ट के जरिए या चाहे सरकार अध्यादेश लाकर इस मसले का जल्द से जल्द निस्तारण करे। और आज जब संवैधानिक पीठ 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो बनी है आज वो सुनवाई करने जा रही है, भले ही जिस तरीके से भी आशीष सिन्हा जी ने बताया कि आज वो डेट डिसाइड हो सकती है कि सुनवाई कब से शुरू होगी, भले ही ये मसला, लेकिन जो अयोध्यावासी है वो आज इस बात को लेकर खुश है कि कम से कम आज वो दिन जरूर आया है अयोध्यावासियों के लिए, क्योंकि अब अगर मामले की शुरुआत होती है, जो मसला 2010 से जब 31 सितंबर 2010 को जब हाईकोर्ट ने इस मामले का फैसला दिया था और 3 पक्षों में इस मामले को बांट दिया था, इस हिस्सों को 3 हिस्सों में, तो तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो आज वो दिन आया है कि अब संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करने की करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अयोध्यावासियों को लगता है कि अब जब सुनवाई होगी तो जल्द से जल्द फैसला आएगा, और यही एक उम्मीद है। हमारे साथ अयोध्यावासी भी है निधि, मैं उनसे बात करूंगा और दिखाऊंगा। आप बताइए कि आज संवैधानिक पीठ 5 जजों की बैठने जा रही है, इस मसले पर सुनवाई करी, क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? अरे जल्द से जल्द इसका फैसला जाए, जिससे अयोध्यापुरी के लोग खुश हो जाए और जल्दी राम मंदिर बनना शुरू हो जाए। और आप
आप बताइए कि एक लंबा इंतजार इतने दिनों से आप लोग लगातार इंतजार में थे कि कब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा या फिर इस मसले का हल निकलेगा। आज सुनवाई शुरू होने जा रही है, 5 जजों की बेंच आज गठित हुई है, संवैधानिक पीठ बनी है, क्या लगता है इस पीठ से कितनी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए भाजपा सरकार से एक उम्मीद थी। अबुल बशर, वाकई उम्मीदें हैं लोगों को कि इस मसले का हल निकलेगा। फिलहाल आपके पास दोबारा लौटेंगे और ऐसे में अब जो पक्षकार हैं, जो निर्मोही अखाड़ा है, रामविलास वेदांती हैं, उनका क्या कहना है, उनके रिएक्शंस किस तरह से आए, आज संवैधानिक पीठ सुनवाई करने जा रही है, आपको वो सुनवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को लेकर यदि निर्णय किया जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, बाबर के नाम पर कोई चिन्ह राम जन्मभूमि के खंडहर के टूटने के बाद नहीं मिला, बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई घाट नहीं, कोई बार नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, अयोध्या में सब राम के नाम पर है, राम कोट है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि चौकी है, राम के नाम पर राम घाट है, राम के पिता के नाम राजा दशरथ के नाम पर दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, कैकेयी घाट है, सुमित्रा घाट है, अयोध्या में बाढ़ भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी इस्लाम के नाम पर हो।